Hey guys, this is Raghav Sharma and you are watching Mechanical Insight. So today we are going to discuss torque versus horsepower. So without any further ado, let's get started. तो बात करने से पहले टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर, उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ेगी जो उसके अंदर यूज होती हैं। जैसे आरपीएम हो गया, टॉर्क इटसेल्फ और हॉर्स पावर इटसेल्फ। तो पहली टर्म है आरपीएम। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब जो इंजन की शाफ्ट होती है या रॉड कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, वो कितने रेवोल्यूशंस ले रही है एक मिनट के अंदर, वो होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। जितने ज्यादा आपके आरपीएम होंगे उतने हार्डर इंजन को वर्क करना पड़ता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है टॉर्क। टॉर्क अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो होता है फोर्स अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। मतलब एक फोर्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई हो रही है और उसका जो डिस्टेंस है उसकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है उसको कहते हैं टॉर्क। इंजन के अंदर जो इंजन ट्रांसमिशन के अंदर जो शाफ्ट तक पावर जा रही है, पिस्टन से जो शाफ्ट तक पावर जा रही है, डिस्टेंस वो हो जाता है। और जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स जो है वो जो अंदर जब फ्यूल जलता है बर्न होता है तो उससे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी फोर्स होती है। तो जो इंजन का टॉर्क निकालने के लिए हमें वो फोर्स इनटू जो डिस्टेंस होता है हमारा पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक का, जो शाफ्ट रोटेट करती है, उससे हम इंजन का टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बेसिकली तीन कैटेगरीज या फिर तीन तरह की होती है। फर्स्ट होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जिसको IHP कहते हैं। सेकंड होती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जिसको हम FHP कहते हैं। और थर्ड होती है ब्रेक हॉर्स पावर, जिसको BHP कहते हैं। जनरली आपने कार्स के अंदर BHP के बारे में ही सुना होगा, तो हम थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करती है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इनटू उसका एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू लेंथ जो क्रैंकशाफ्ट की है इनटू एन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जितने वो ऊपर नीचे जा रहा है, वो होता है इंडिकेटेड पावर निकालने का या इंडिकेटेड हॉर्स पावर निकालने का फॉर्मूला। अब जो इसके साथ BHP निकलती है, ब्रेक हॉर्स पावर, उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था इनटू RPM जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिवाइडेड बाय 5252। अब बात रहेगी FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर की, वो कैसे निकलती है। एक्चुअली में इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो होती है वो होती है जब फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्निंग से जितनी पावर निकलेगी वो होती है इंडिकेटेड पावर। उसके अंदर जो फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं मूवमेंट के लिए, उन लॉसेज में जो पावर लॉस होती है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। और जो आउटपुट पे हमारे इंजन के आउटपुट पे फ्लाई व्हील पे जो पावर मिलती है उसको हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो जो IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर का फॉर्मूला हुआ, IHP इक्वल्स टू FHP प्लस BHP। और अगर हमें इसमें से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर निकालनी है तो सिंपली IHP का हमें फॉर्मूला पता है, IHP निकाल लेंगे हम। BHP का हमें फॉर्मूला पता है, BHP निकाल लेंगे। तो IHP माइनस BHP हमारे पास फ्रिक्शनल हॉर्स पावर आ जाती है। ये बात रही हॉर्स पावर के बारे में। अब हम मेन बात करते हैं टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर, हमें किसकी ज्यादा जरूरत पड़नी चाहिए। टॉर्क एक तरह से आप कह सकते हो वो एलिफेंट होता है इंजन का, जो लोड को उठाने की कैपेबिलिटी रखता है। और जो हॉर्स पावर है वो
हॉर्स है, एक्चुअली में हॉर्स से ही हॉर्स पावर ड्राइव हुई है, मतलब जो कांस्टेंट स्पीड पे हाई स्पीड पे आप कार चला सकते हो वो हॉर्स पावर की वजह से ही चला सकते हो। तो इनिशियली जब आप कार ड्राइव करते हो फर्स्ट गियर सेकंड गियर, तब टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है कार्स में, और जब आप लास्ट के गियर में पहुंच जाते हो फोर्थ या फिफ्थ गियर के अंदर, या कई कार्स में सिक्स्थ गियर भी होता है, तब वहां पे हॉर्स पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना टॉर्क और पावर का, तो हम देख सकते हैं कि 5252 आरपीएम पे टॉर्क और हॉर्स पावर इक्वल हो जाते हैं। यहीं से बीएचपी, जो आप लोग जनरली आपने बीएचपी सुनी होगी कार्स की, यहीं से डराइव हुआ वो फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियसली बताया है, क्योंकि उसके अंदर क्या है 5252 पे टॉर्क और हॉर्स पावर इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम 5252 को ऊपर ले जाए, मतलब 5252 इंटू बीएचपी इक्वल्स टू टॉर्क इंटू आरपीएम जो है वो भी हमारे 5252 ही होंगे, तो 5252 कैंसिल होके वहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि 5252 आरपीएम पे टॉर्क और हॉर्स पावर इक्वल होता है, कि टॉर्क और हॉर्स पावर में से आपको कार खरीदते हुए या कार जब आप अपनी प्रेफरेंस से ले रहे हो तो आपको किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा ऑफ रोडिंग करते हो या आपको ज्यादा लगेज कैरी करना पड़ता है, आपकी थोड़ी जो स्टफ है वो आप हैवी लेके चलते हो अपने साथ, तो आपको टॉर्क को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। पावर तो हर गाड़ी में आजकल ठीक आ ही रही है, तब उस टाइम पे जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके पास लोड ज्यादा है, तब आपको टॉर्क को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अगर आपका जो काम है नॉर्मली वो ये है कि अगर आपने लॉन्ग रोड्स पे जाना है जो प्लेन है, कुछ ऐसा ऑफ रोडिंग का ज्यादा काम नहीं है, तो आप हॉर्स पावर को प्रेफरेंस दे सकते हो। प्रेफरेंस मतलब उसमें जो आप कार लोगे उसमें हॉर्स पावर और टॉर्क बैलेंस्ड होगी। ऑफ रोडिंग के लिए जो कार होती है उसके अंदर टॉर्क ज्यादा होता है इनिशियली, क्योंकि वहां पे ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है हमें, कंडीशन रफ होती है, तो कार को लोड ज्यादा उठाने के लिए ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आगे आगे जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।